रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। आने वाले दिनों में हमीरपुर जिला में कांग्रेस पार्टी पूरी सक्रियता से संगठन को मजबूत करने के लिए जुट गई है, ताकि हमीरपुर जिला में कांग्रेस लोगों के बीच अपनी पैठ बना सके। इसी के चलते हमीरपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को आगामी दिनों की रूपरेखा पर टिप्स दिए। वहीं इस अवसर पर बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, पूर्व विधायक कुलदीप पठानी के अलावा अन्य सदस्य मौजूद रहे। आने वाले दिनों में हमीरपुर जिला में कांग्रेस पार्टी पूरी सक्रियता से संगठन को मजबूत करने के लिए जुट गई है, ताकि हमीरपुर जिला में कांग्रेस लोगों के बीच अपनी पैठ बना सके। इसी के चलते हमीरपुर जिला कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को आगामी दिनों की रूपरेखा पर टिप्स दिए। वहीं इस अवसर पर बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, पूर्व विधायक कुलदीप पठानी के अलावा अन्य सदस्य मौजूद रहे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि बीजेपी सरकार के दौरान बेरोजगारी का बोलबाला है और युवाओं को नौकरियां देने के वायदे को आज सरकार भूल चुकी है। उन्होंने कहा कि महंगाई और भ्रष्टाचार के चलते सरकार की किरकिरी हो रही है, क्योंकि केंद्र सरकार अपने किए हुए वायदों को दरकिनार कर रही है, जिसके कारण जनता भी सरकार को कोसने में लगी हुई है। कार्यकारिणी की बैठक है और आज इस बैठक का जो मुख्य एजेंडा है, आने वाले कल में किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है वो बूथ स्तर पर कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए कैसे काम करेगी, बूथ लेवल पर जाकर जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जो हमारी केंद्र सरकार बीजेपी की जो केंद्रीय सरकार है तथा प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उनकी जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाना और आने वाले कल में कांग्रेस जो है वो किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाएगा, उसके ऊपर आज जो है वो रूपरेखा बनाई जा रही है। और इस कांग्रेस की जो समीक्षा बैठक है, इसमें जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेवारियां सौंपी जाएंगी कि केंद्र सरकार के जो भी फैसले हैं, जो जनविरोधी फैसले हैं, उनको उजागर किया जाए और आने वाले कल में जो कांग्रेस है वो एक रूपरेखा के तहत जो प्रदेश सरकार की विफल नीतियां हैं, केंद्र सरकार की विफल नीतियां हैं, उनको जन जन तक पहुँचाने के लिए एक आज समीक्षा बैठक का आयोजन किया जा रहा है और आने वाले कल में ऑर्गेनाइजेशन जो है, संगठन जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो बूथ स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करें। क्योंकि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी, आज बेरोजगारी एक मुख्य मुद्दा है। आज आर्थिक मंदी की वजह से जो लोग रोजगार पर लगे थे वो आज अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं। युवाओं को इन्होंने रोजगार देने की बात कही थी, आज युवा जो है वो बेरोजगार घूम रहा है। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इस सरकार, केंद्र की सरकार में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जहाँ तक महंगाई की बात है, आप आज देखेंगे कि सब्जियों के, दालों के, पेट्रोल, डीजल और गैस के जो दाम हैं वो उच्चतम स्तर पर हैं। आज पूरी जनता जो है वो बुरी तरह से अपने आप को एक लुटा सा महसूस कर रही है, क्योंकि इन्होंने सत्ता में आने से पहले लोगों से बहुत सारे वायदे किए थे, परंतु केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार जो है वो उन वादों को निभाने में विफल रही है। यही हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं, इनको लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो आम जनता के बीच में जाएगी।